वेलकम बैक टू माय चैनल डिलाइटनेस ऑफ लाइफ। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आलू और परवल की एक सूखी सब्जी। वैसे तो बहुत सारे आलू परवल की सब्जी हम लोग घर पे बनाते हैं और कई सारे रेसिपी कुछ ऐसे भी है जिसमें बहुत सारे मसाले भी डाला जा सकता है और बहुत टेस्टी भी होता है खाने में। पर ये जो रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये एक सूखी सब्जी है जो आप राइस के साथ नहीं खा सकते। ये स्पेशली है रोटी या पराठे के साथ खाने के लिए और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है और टेस्टी भी है खाने में। तो चलिए इसे देख लेते हैं हम लोग घर पे किस तरह से बना सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब डिलाइटनेस ऑफ लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। परवल और आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा प्याज को काट लिया है, कुछ गार्लिक मैंने बारीक चॉप करके रखा है और कुछ ग्रीन चिलीज भी स्लाइटेड करके रखा है। मैंने परवल और आलू को भी पतले पतले लंबे स्लाइसेस में काट के रखा है। यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून हम लोगों को रिफाइंड ऑयल लगेगा, साबुत जीरा और चाहिए होगा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार। एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है यहाँ पे। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी साबुत जीरा और जीरा थोड़ा सा चटक जाए फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज और प्याज को भी मैं हल्का फ्राई करूंगी, ज़्यादा डार्क ब्राउन हमें नहीं करना है। प्याज फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए लहसुन और लहसुन को भी थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लीजिए, इसको भी बहुत कड़वा फ्राई नहीं करना है। लहसुन फ्राई हो जाए फिर इसके बाद उसमें डाल दीजिए आलू और आलू को भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक से आलू बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए फिर इसके बाद डाल दीजिए हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर की बहुत अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद इसमें डाल दीजिए परवल, परवल को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और परवल मिक्स हो जाने के बाद इसमें डाल दीजिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए परवल के साथ। अभी इसे हमें बॉईल करना है इसलिए मैं यहाँ पे 1 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ और इसमें डाल दूंगी मैं स्लिटेड ग्रीन चिलीज और अच्छे से सब कुछ एक बार मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अभी इसको हमें लीड लगा के 5 से 7 मिनट तक कुक कर लेना है। देखिए मेरा लीड मैंने हटा दिया है और कितने अच्छे से परवल और आलू फ्राई हो चुका है और आलू भी बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। और अभी एंड में हमें चेक कर लेना है सॉल्ट, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार सॉल्ट मिलाया है यहाँ पे और सब कुछ एक बार मिक्स कर लिया मैंने। तो रेडी हो चुका है हमारा आलू परवल की सूखी सब्जी। मैं यहाँ पे रोटी के साथ इसको सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो पराठे के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो चलिए अभी इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मैं मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।